أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد पिछली मजलिस में हमने देखा कि जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उनमें से एक चीज़ ये भी है कि निकाह के लिए बच्चियों की इजाज़त न ली जाए उनसे इजाज़त लिए बग़ैर ही उनका निकाह कर दिया जाए इससे हदीस में मना किया गया है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुराइरा रजी अल्लाह तआला नु कहते हैं قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الييم حتى تستأمر ولا تنكحوا البكر حتى تستأذن कोई औरत जो अयिम हो यानी बेवा या مطلका उसका निकाह ना किया जाए जब तक कि खुद उससे उसका मशवरा न लिया जाए उसकी राय ना पूछ ली जाए उससे उसका हुक्म ना लिया जाए वालतुन अदन और किसी कुंवारी लड़की का निकाह न किया जाए जब तक कि उसकी इजाज़त न ले ली जाए कलिया रसूल अल्ला व कईफ़ इधन कहते हैं कि लोगों ने पूछा एल्ला के रसूल उसका उसकी इजाज़त कैसे मालूम पड़ेगी कला अन तस्कुत आपने कहा ये कि जब उससे पूछा जाए तो वो क्या करें खामोश हो जाए यानी कुंवारी लड़की जब उसको बताया जाए कि फलां से तुम्हारा निकाह होने वाला है क्या तुम तैयार हो बाप पूछे माँ पूछे भाई पूछे तो ऐसे वक्त में वो क्या करें खामोश हो जाए ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकाह के लिए तैयार हूँ हाँ और उससे आगे बढ़ के अबू जान मेरा निकाह कब कर रहे आप आज ऐसा दौर आ गया है लेकिन इस्लामी माशरे में औरत के बारे में ख़ास करके कुंवारी बच्चियों के बारे में ये तस्वुर है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो हया वाली हों और अपने निकाह के बारे में बात ना करें अपने निकाह के बारे में खुल के ना बोलें उनके मिजाज में होता भी नहीं ये अगर वो तैयार ना हो वो इनकार कर सकती है मैं तैयार नहीं हूँ लेकिन मैं तैयार हूँ बोलना थोड़ा उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है उस पर राजी खुशी रहे खामोश रह जाए का मतलब इनकार नहीं है हाँ अगर इनकार हो तो फिर वो मना कर सकती है अगर रो दे तो मालूम नहीं अब ये खुशी के आंसू है या गम क्या आंसू है मालूम नहीं तो इस पर कोई एक हुक्म लगाया जा सकता है नहीं खुशी के भी हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलो शादी हो रही मेरा निकाह हो रहा है और गम के भी हो सकते हैं तो उसकी तफसील मालूम करने के बाद फैसला किया जाएगा बगैर तफसील के नहीं लेकिन उसकी खामोशी और उसका इजहार करना कि मैं नाराज नहीं हूँ मना नहीं है इनकार नहीं है तो उसको हाँ माना जाएगा तो ये तरीका इस्लाम में है तो हदीस में ये बात मालूम होती है कि कुंवारी बच्चियों का निकाह उनकी इजाज़त के बग़ैर ना किया जाए ठीक है माँ बाप बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं उनका भला चाहने वाले होते हैं लेकिन चूँकि ज़िंदगी उनको बिताना है इसलिए उनकी इजाज़त भी ले लेना चाहिए बाज़ात माँ बाप कहते हैं कि हमको अपनी बच्ची पे भरोसा है हमारी पसंद उसकी पसंद है वहाँ बोल देगी और निकाह के लिए सब कुछ तय कर लिया बाद में बच्चियां तैयार नहीं होती हैं उनका मिजाज मुआफिक नहीं होता है और बाद की जिंदगी खराब हो जाती है या फिर खुला और तलाक पर मामला ख़त्म होता है तो कुंवारी बच्चियों से इजाज़त ले लेनी चाहिए नंबर उन्नीस एक नमाज के बाद बिला फसल दूसरी नमाज पढ़ना यानी सलाम फेरा फिर खड़े होकर दूसरी नमाज शुरू कर दी अल्लाह अकबर नहीं बीच में फसल होना चाहिए जिक्र के जरिए से या जगह बदलने के अतबार से या मस्जिद से खुरूज के अतबार से या लोगों से कलाम के अतबार से दरमियान में फासला होना चाहिए मुआवी रदी अल्लाह कहते हैं और ख़ास तौर से जुमा के बारे में है लेकिन बाज़ रिवायात में अमोमी नमाज के लिए भी आया है मुआवी रदी अल्लाह कहते हैं बिसन तक जब तू जुमा की नमाज अदा कर लें तो उसके फ़ौर बाद दूसरी नमाज उसको जोड़ न दे फ़ौर दूसरी नमाज न पढ़ हकल्लमा अ तखरुज यहाँ तक कि तू किसी से बात कर ले या फिर वहाँ से निकल जाए अगर बात नहीं की वहाँ से जगह तब्दील नहीं की निकला नहीं बाहर फ़ौर दूसरी नमाज नहीं पढ़ना फैन रसूल अल्लाह अमाराना भी दालिक इसलिए कि ख़ुद अल्लाह के रसूल वसल्लम ने हमें इसका हुक्म दिया है अल्लाह तो सला तुम बलाखुरु हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम एक नमाज के साथ मुतसिल दूसरी नमाज ना पढ़ें जब तक कि हम बात ना कर लें या वहाँ से बाहर ना निकलें इमाम मुस्लिम ने इसको इस इस हदीस को रिवायत किया है तो इससे मालूम होता है कि जिससे बाज़ लोग करते हैं एक नमाज पढ़ ली जैसे ही जुमा हुआ फौरन खड़े हो गए ना अजकार ना, ना वक्फ़ा, बल्कि सलाम फेरते ही दूसरी जमा दूसरी यानी नमाज के लिए खड़ा हो गया सुन्नतों के लिए खड़ा हो गया फसल रखना चाहिए फ़र्ज नमाजों के बाद अजकार जो साबित हैं हदीस से उनका एहतमाम करना चाहिए उसके बाद वो उस सुन्नत नमाज पढ़ सकता है फौरन नहीं इसी तरह से एक और हदीस अल्लाह के रसूल वसल्लम फ़रमाते يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم यमा يخرج जब भी तुम में से कोई जुमा की नमाज़ अदा करें फौरन उसके बाद दूसरी नमाज न पढ़ें यहाँ तक कि वहाँ से वो बात कर लें या वहाँ से वो निकल जाए जैसे घर पे आके नमाज़ पढ़ ली या मस्जिद के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला गया और फिर नमाज़ पढ़ी ठीक है लेकिन ये कि वहीं रहे बैठा हुआ और फौरन खड़ा हुआ न जिक्र ना कुछ न कुछ और फौरन दूसरी नमाज शुरू कर दी तो ये मुनासिब नहीं, यह मना है इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है मसला नंबर बीस मजाक में किसी की चीज छीन लेना हड़प जाना जैसे बाद लोग किसी की दुकान पर गए मोबाइल पसंद आया ये मेरा ये मेरा ना पैसे दिए ना कुछ ना कुछ बस कब्जा कर लिया या दोस्त के हाथ में घड़ी देखी दिखा अब उसने निकाल के दिखाया अच्छी है ना हाँ बहुत जबरदस्त है पहन लिया खुद ने वो वो मांग रहा है मजाक है, है वो सच नहीं मजाक नहीं मुझको वापस चाहिए अरे नहीं क्या करेगा तू वो घड़ी के वैसे भी तू तो कौन सा टाइम पे आता है घड़ी से क्या फायदा तेरा मुझको जरूरत है वो नहीं, नहीं बोल रहा ये बोल रहा हाँ 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 और कब्ज़ा कर लिया जायज नहीं है किसी की भी चीज़ उसकी खुशी से उसकी इदा से ली जाती है उसकी इजाज़त के बगैर उसकी चीज़ पे कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं صاحبه ही ولا جادا तुम में से कोई भी शख्स किसी और की चीज़ न ले ले न मजाक में न संजीदगी से सीरियसली भी नहीं और मजाक में भी नहीं वह इन अदा साहिबी ही फल अलई अगर किसी ने किसी का असा भी लिया हो लाठी उस ज़माने में लोग लाठी लेके जाते थे गांव देहात में और कुछ मूजी जानवर आ गया उससे बचाव के काम आता था और कभी खड़े होकर बात कर रहे हैं तो टेक लगा के वो लोग करते थे कभी नमाज़ों में भी टेक लगा के खड़े हो जाते थे तरावी वगैरह में आप रिवायत देखिए महामालिक वगैरह की रिवायतें हैं इतना लंबा क़याम होता था कि वो लोग आशा को टेक लगा के क़याम करते थे वो काम आता था उनके तो कहा कि अगर किसी ने किसी का आसा लिया हो क्योंकि आशा एक छोटी चीज़ है कहीं से और से भी ला सकता है फौरन पेड़ की लकड़ी भाई काट के शाह काट के फिर बना लिया लेकिन का किसी का आसा भी लिया है किसी ने तो उसको वापस लौटा दे यानी किसी की भी चीज उसकी इजाजत के बगैर उसको छीन लेना चाहे वो गुस्से में हो या मजाक में हो जायज नहीं है हाँ बाप अपनी औलाद की चीज ले सकता है बाप अपनी औलाद से दी हुई चीज भी वापस ले सकता है लेकिन किसी और की चीज लेना नहीं हम लोग तो दोस्तों से चलता हमारा कैसा चलता वो उसका मुंह देख मालूम पड़ेगा तो लिया उसका चेहरा तो देख जरा चेहरा बता रहा खुद कि नहीं 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 लेकिन बोल रहा नहीं हम लोग दोस्त है चलता हम लोगों को ऐसा है हाँ वाकई इतने करीबी दोस्त हैं कि एक दूसरे की चीज लेने में किसी को हर्ज नहीं इसे साहबा के जमाने में था कि इनकी हांडी से वो ले लेते थे, थे उनकी हांडी से ये सालन पकता हुआ ले लेते थे, थे किसी को कोई एतराज़ नहीं होता था अगर किसी का ऐसा है कि इसके फ्रिज में से वो लेके चला गया उसके फ्रिज में से उसने ले लिया तो चलता है लेकिन वाकई वैसा ताल्लुक होना चाहिए अगर नहीं है ऐसा नहीं उसकी इजाज़त के बगैर चीज़ नहीं लेना इस हदीस को इमाम अहमद अबू दाऊद तिनविदी और हाकिम ने रिवायत किया है मसला नंबर 21। सर के बाज बा, बाज़ हिस्से ही के बाल मूड यानी बाज़ हिस्से के बाल रखना बाज के मूड देना आजकल अल्लाह रहम फरमाए नौजवानों पर कहाँ-कहाँ से देख के आ रहे हैं और क्या क्या सर के बाल के कैसे अब बीच में से जो है यानी नहर चली गई हाँ बीच में से मोड़ दिया बस इधर भी बाल हैं इधर भी बाल हैं या बिल्कुल जैसे तरबूज काट दिया हो इस तरह से बाल या झोंपड़ा है इस तरह से और बाकी पूरे गायब हैं यहाँ के ये कौन सा फैशन है यानी यूनिक बनने में इंसान बदनुमा बन जाता इस्लाम में ये सब चीजें मना है आदमी महजब रहे ठीक है वो अच्छे कपड़े पहने जीनत अख्तियार करे अपनी जगह है लेकिन ये क्या असर का हाल इस तरह से बना लेना कि बाज़ हिस्सों को काट दिया अब बाज़ लोग जो है यहाँ से पूरे काट देते और बस इधर इतना रखेंगे बल्कि खड़े भी कर देते बाद तो ये सारी चीज़ें जो है मना है कुछ हिस्से को मूडना और कुछ हिस्से के बाल बाकी रखना ठीक नहीं है ठीक नहीं है उमर इबन उमर अदी कहते हैं आपने देखा एक बच्चे कोसे मूड दिए गए थे और बाद वैसे ही छोड़ दिए गए थे वन हमक आपने इससे मना किया विकोकुल्लहू अवी तुरको होकुल्लहू या तो पूरा मूड दो या तो पूरा छोड़ दो यानी पूरे बाल वैसे ही रहने दो या फिर पूरा मोड़ो कुछ बाल छोड़ दिए और कुछ मोड़ दिए ठीक नहीं इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और नसी ने रिवायत किया है और ये सही है इससे ने इस्तलाल किया है कि सर के बाल मोड़ने में कोई कबाहत नहीं है आपने कहा तो पूरा मोड़ दो या तो पूरे छोड़ दो लेकिन बार बार सर के बाल मोड़ना ठीक नहीं है क्यों इसलिए कि ख़वारिज के अलात में से है सीमा हम तहलीक हदीस में उनकी अलामत में से एक अलामत खारजियों की एक फ़िरका था गुमराह उस, उसकी उनकी अलामत क्या है अ सर के बाल मुड़ना वो लोग जंग के तबार से अब मैं गया तो मर जाऊंगा इस तरह से सर के बाल मुड़ के जाते थे जंग में तो खारिज जो है उनकी अलामत में से एक अलामत है तो हमेशा नहीं मुड़ना चाहिए हाँ अगर किसी के कोई उज़्र है सर में कुजली होती है या कुछ मर्ज है उसकी वजह से अगर मुड़ता है बार बार तो कोई मसला नहीं लेकिन इसको अपने लिए फैशन नहीं बनाना चाहिए तो इस हदीस को इमाम अबू दाउदी ने रिवायत किया है इसी तरह से मसला नंबर बाईस किसी की मुस्त पर बिला इजाजत बैठना यानी जैसे किसी के ऑफिस में आप गए बॉस की कुर्सी खास होती है आप जाके सीधा उसके ऊपर बैठ गए अच्छी कुर्सी मजा आ रहा अच्छी मेरी कुर्सी उसकी शर्फ की जगह है या किसी के घर में आप गए खास जगह घर का बड़ा कोई बैठता है उसकी कुर्सी है आप उस पर जाके बैठ गए मना है मना है लोगों के मकाम की उनकी खसूसियात की रियायत भी इस्लाम में है किसी की जगह पर यानी उसकी खास मुसनत जो होती है उस पर जाकर नहीं बैठना चाहिए हाँ उसकी इजाज़त हो वो ले जाके आपको खुद बिठाए ठीक है लेकिन आप खुद ही जाकर बैठना नहीं अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं ولا يؤمن الرجل الرجل सुल्तान ही ولا يقعد फ़ी بيته ही अला तक्रीम फ़ी बैती अला तकरीमत ही कोई शख्स किसी की सुल्तान में उसकी अथॉरिटी की जगह में जहाँ उसका यानी उसकी सुल्तान हो उसकी उसके उसका हुक्म चलता हो वहाँ पर उसकी जगह में कोई इमामत ना करे जहाँ मुस्तकिल कोई इमाम तय हो दूसरा आदमी आके इमामत कर ले रहा उससे पूछा नहीं उसकी इजाज़त नहीं कुछ भी तो ये भी सही नहीं है ये मना है और इसी तरह से कोई आदमी किसी के इकराम की जगह जहाँ वो बैठता है जहाँ उसकी खसूसी जगह मुस्ंद है बैठक है उसकी उस पर जाके ना बैठ जाए ये कि खुद उसकी इजाज़त हो उसकी इजाज़त है तो ठीक वरना नहीं जैसे मिसाल के तौर तो पर किसी का कंप्यूटर है बॉस का अब उसमें कुछ काम करना है वो बोला बैठो उसमें कुछ रिपेयर करना है सॉफ्टवेयर अपडेट करना है कुछ है अब आदमी काम करता है वहाँ पे उस जगह पर बैठ के ही करना पड़ेगा और कहाँ बैठेगा तो उसमें कोई हरज नहीं है उसकी इजाज़त है या कोई बड़ा आदमी आता है उसको अपनी जगह पर आदमी इक्रामन बिठाता है ठीक है कोई मसला नहीं लेकिन खुद से उसकी इकराम की जगह पे स्पेशल सीट पे बैठना नहीं चाहिए और इसी तरह से किसी की सुल्तान में इमामत नहीं करना चाहिए इसी से उलमा ने यह भी शर्त लगाई है कि मस्जिद में मुतद जमातें ठीक नहीं है इल्ला ये कि इमाम की इजाज़त हो क्योंकि उसकी इमामत वहाँ है उसकी इजाज़त से अगर है तो ठीक जो एक से ज़्यादा जमातें मस्जिदों में होती हैं ने इसको पसंद नहीं किया है और बाजा ने इसको तीन शर्तों के साथ मुकैद रखा है नंबर एक अगर दूसरी जमात वहाँ बनती है तो आपस में इख्तलाफ नहीं होना चाहिए उसकी वजह से नंबर दो पहली जमात के बारे में लोग लापरवाह ना हो कभी भी आ रहे पढ़ रहे दूसरी जमात बना के तीसरी चौथी पांचवी बनती जा रही तो पहली जमात खोखली ना हो जाए कमज़ोर ना हो जाए और तीसरा ये कि वहां उसकी जिसकी इमामत वहां पर है उसकी इजाज़त भी होना चाहिए ये नहीं कि वो इनकार नहीं करेंगे ऐसी इजाज़त नहीं रहती वाकई उसकी इजाजत हो या तो खास इजाजत या फिर इज्न आम उसकी तरफ से वो चलता है वो इसका कायल होके चलती है दूसरी जमात वरना अगर पहली जमात में सुस्ती होती हो या आपस में इंतजार और इख्तलाफ होता हो कि इधर एक जमात बन रही इधर एक जमात बन रही ऐसा अगर है तो वो सही नहीं है इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने बयान किया है रिवायत किया जिसको मैंने बयान किया मसला नंबर तेईस इमाम के आने से पहले नमाज के लिए खड़े हो जाना इमाम साहब के इंतजार में जैसे बाद लोग यानी मस्जिद में अब अजीब बात यह है होता ये है कि मस्जिद ही में थे आए नमाज पढ़े बैठे मस्जिद के अंदर फिर अगली नमाज का वक्त आया तो कुछ लोग खड़े रहते हैं क्यों मतलब खड़ा रहने का मामला ये है ज्यादा से ज्यादा कि एक इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो जब तक कि वो दो रकत पढ़ नहीं लेता बैठे नहीं वो तो सब कुछ पढ़ा हुआ था अब इमाम साहब पहुंचे नहीं लेकिन ये खड़ा हुआ है इंतज़ार में तो ये कौन सा तरीका है इसकी क्या दलील है समझ में आ रही बात कि मैं अगर मस्जिद ही में बैठा हुआ था असर की नमाज पढ़ा बैठा दर्श अटेंड किया सब कुछ मैंने किया बाहर तो गया नहीं अब मगरिब की नमाज का वक्त हो गया तो लोग जो है इमाम के लिए इंतजार में खड़े हुए हैं खड़े क्यों हैं बैठे क्यों नहीं तो बैठने की ममानात उसके लिए है जो मस्जिद में आने के बाद दो रकत नहीं पड़ा ऑलरेडी जो पढ़ चुका है और मस्जिद ही में था वो क्यों खड़ा हुआ है इस तरह से खड़ा होना सही नहीं है मजीद ये कि जैसे बात इमाम के आने में देर होती है तो इमाम के पहले ही लोग खड़े हो जाते हैं ये भी मना है जब तक कि इमाम मस्जिद में दाखिल नहीं होता है जमात और सफ़ बनाने के लिए खड़े नहीं होना चाहिए ये मना है अल्लाह के रसूल सल्ला सल फरमाते हैं तो حتى تروني قد خرجت. जब नमाज की इकामत हो, तो खड़े मत होना जब तक के मुझे देख न लो कि मैं अपने कमरे से बाहर निकल गया हूँ यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, की मस्जिद जो मस्जिद नबु थी उसी में से एक दरवाजा आपके कमरे का खुलता था आप अपने कमरे में से उस दरवाजे से होके सीधा आके अपनी जाय नमाज पर खड़े हो जाते थे अपने मुसल्ह पर खड़ा होते थे तो जब तक कि मैं आया नहीं तब तक के खड़ा होना नहीं तो इससे बात मालूम होती कि इमाम से पहले लोगों का खड़े होकर इंतज़ार करना ठीक नहीं है कि खड़े हैं पहली सफ में पलट पलट के देख रहे हैं कहाँ है इमाम साहब का इमाम साहब कहाँ इमाम साहब कर रहे हैं इमाम साहब गिरते पड़ते वज़ू करके किसी तरह से आ रहे हैं तो उनकी भी तो हाजात होती हैं वज़ू है, है इस्तिंजा है इस तरह की हाजात हैं तो ये नहीं करना चाहिए कि लोग खड़े हो जाएँ इमाम से पहले बैठे रहें अपनी जगह पर और इमाम आने के बाद फिर उसके बाद खड़े हो जाएं या कम से कम ये कि इमाम आ गया है देख लिया फिर खड़े हो गए कोई हरज नहीं इसमें इस हदीस इस को इमाम अलबुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है मसला नंबर चौबीस इमारत तलब करना इंसान का कोई अहदा मांगना खास करके मुझे अमीर बना दो तो इस तरह से अपने लिएदा मांगना ये ठीक नहीं है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ला तस अल्मार इमारत अमीर बनाने का मुतालबा मत कर कि मुझे अमीर बनाया जाए व इन न का इन अति तहा मन गैर मसलिन इसलिए कि अगर तेरे मांगे बग़ैर तुझको अमीर बना दिया जाए किसी लश्कर पर किसी इलाके में बस्ती में या किसी भी अतबार से मुसलमानों का अमीर अगर तुझे मुतालबे के बगैर अगर बनाया जाए तो अल्लाह की तरफ से तेरी मदद की जाएगी ज़िम्मेदारी निभाने में व इन औती मसाला वो किलता इलेहा। और अगर तेरे मांगने से तुझको अमीर बनाया जाए तो फिर तू इमारत के हवाले कर दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से तेरी मदद होने वाली नहीं है तो ये अच्छी चीज़ नहीं कि एक इंसान लोगों से और अहदा मांगे यूसुफ़ सलाम की मिसाल देना ठीक नहीं क्योंकि तू ऐसा है नहीं अल्लाह की वही किताबें थे और तू तू उस लायक है वो उस लायक थे इन्नी हफीदन अलीम वाकई वो थे लेकिन तू कैसा है तो एक इंसान जो है ज़रा सा कुछ दीनी खिदमत करता है उसके दिल में जज्बात पैदा होते हैं कि मैं भी अमीर बन जाऊं मुझे भी कोई अहदा मिल जाए आदमी के लिए काम करने के लिए अहदे की जरूरत है नहीं है। एक आदमी को मस्जिद में झाड़ू लगाना उसके लिए लिएदा चाहिए नहीं कोई काम करना चाहता है आप काम कीजिए दीन की खिदमत कीजिए जो मौका अल्लाह ने आपको दिया है ये नहीं कि आप क्या करना शुरू कर दें फिर मुझे भी अमीर बनाओ मुझे फुला बनाओ मुझे ये बनाओ ये आज माहौल बन चुका है इस तरह से कि आदमी समझता है कि अहदे के बगैर मेरी कोई कीमत नहीं है आदमी की कीमत उसके मकाम से नहीं होती है उसके काम से होती है लिहाजा हम में से जो अहबाब हैं हमको ये चाहिए कि हम अहदे की लालच न करें हम दीन का काम करें जमातों में भी आम तौर से दीन की खिदमत आदमी नहीं करता है चार दिन दीन की थोड़ा बहुत काम कर दिया फ़ौरन चाहता है कि मुझको कुछ बना दिया जाए नहीं तो फिर इसकी उसकी टांग खींचना शुरू करता है ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं है मिल कर काम किया जाए इतिहाद और इतफाक़ के साथ अपने ज़िम्मेदारों को कबूल करते हुए कमी कोताही पर उनको नसीहत करते हुए और अखलास के साथ किसी चीज़ का मुतालबा किए बगैर हदीस में है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से ज़्यादा बेहतर है अलीः खैर सुफला ऊपर वाला हाथ तो एक मुसलमान को ख़िदमत दीन की करें वो काम दे अपने एफर्ट्स अपनी सलाहतें पेश करें मांगे नहीं वो मांगने वाला फ़कीर नहीं होना चाहिए बल्कि वो अपने पास जो है वो दीन के लिए दावत के लिए जमात के लिए उम्मत के लिए देने वाला होना चाहिए तो ये मिजाज अपना बनाएँ तो इस हदी से बात मालूम होती है कि अगर मांगने पर इमारत मिल जाए मदद नहीं होती और अगर बगैर मांगे लोग किसी को बना दें जिम्मेदार अमीर बना दे किसीदे पर उसको मुतायिन कर दें और वो नहीं चाहता था तो वो उसकी अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहम्ह को जब मुसलमानों का अमीर बनाया गया तो उनकी ज़ुबान से क्या कलिमात निकल रहे थे अलहदुल्ला इन्ना इन्ना लाज वो ओहदे को अपने लिए मुसीबत समझते थे क्यों इसलिए कि वो ओहदे को शर्फ की निगाह से नहीं देखते थे मसूलियत और जिम्मेदारी की निगाह से देखते थे जो आदमी ओहदे को जिम्मेदारी की निगाह से देखेगा कि इस पे मेरी पूछ होने वाली है वो अवॉइड करेगा उसको धुलाई होने वाली इस पर अल्लाह क्या मेरी अगर कमी किया मैंने कोताही किया तो वो डरेगा उससे लेकिन आदमी आम तौर से अहदे को क्या समझता है ये शर्फ की चीज़ है वो शर्फ की चीज़ नहीं है वो यहाँ पर क्या है अल्लाह के यहाँ पकड़ की चीज़ है काम सही किया कि नहीं किया जब तेरे पास जिम्मेदारी थी तो उसको पूरा किया कि नहीं ये अगर सोचे आदमी तो डरेगा तो ये बात याद रखें मसला नंबर पच्चीस कंधे खोले रखकर नमाज पढ़ना आमतौर से ये चीज़ देखने में आती है उम्रे के वक्त हज के वक्त में कि जब लोग अहराम की हालत में होते हैं तो उसमें क्या करते हैं तवाफ़ में तो इजबा करते हैं उसके बाद उसी हालत में जाके दो रकतें पढ़ लेते हैं या नमाज का वक्त होता है वैसे ही पढ़ लेते हैं एक कंधा ढपा हुआ होता है और एक खुला होता है तो दोने, दोनों दोनों कंधे जब तक के आदमी ढांपता नहीं है उसकी नमाज़ सही नहीं होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं ला सल फिस्त बिलवादी लई साल आतिकई ही शई तुम में से कोई शख्स नमाज न पढ़े इस हाल में कि वो एक लिबास में हो यानी एक ही कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा हो और उसके दोनों कंधों पर कुछ भी ना हो यानी दोनों कंधे क्या हों खुले हों अगर ऐसी नमाज पढ़ता है ला सल कुम वह नमाज़ न पढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है तो जब आदमी उम्र के लिए जाए और तवाफ़ कर रहा हो दरमियान में भी नमाज का वक्त हो जाए लोग डरते हैं कि अब तो मैं तवाफ की हालत में हो अब मैं कैसे मतलब अपने कपड़ों को ये करूं यानी कैसे कंधे पर डालू उसको दोनों कंधे क्या करना चाहिए छुपाने चाहिए अब उसके बाद में जब तवाफ उसका यानी नमाज हो जाए फिर से तवाफ शुरू करें फिर उसके बाद में इस्ता करें उसके बाद में इस्ता करें मसला नंबर छब्बीस जहां फर्ज नमाज पढ़े हों वहीं और नफल पढ़ना ये भी मना है जहाँ फ़र्ज नमाज पढ़ी है वहीं पर सुनन व नवाफिल पढ़ना ये मना है थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए ख़ास करके इमाम के लिए हाँ ठीक है वो मुसल्ला से थोड़ा सा ऐसा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है ये नहीं कि मस्जिद के बाहर जाके या घर पर ही जाके पढ़े या एकदम पीछे जाके पढ़े ज़रूरी नहीं दाएँ बाएँ भी हो जाए ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला लासली ला सल इमाम उफी मकामी तन खुम में से कोई इमाम कोई भी इमाम हो तो वो इमामत की जगह पर जहाँ उसने फर्ज नमाज पढ़ी है उस मुसल्ला पर वहीं पर उसी जगह पर नमाज यानी बकिया नमाज न पढ़े हत य तना हो यहाँ तक कि वो उससे थोड़ा सा हट जाए और फिर नमाज पढ़े दाएं, बाएं, आगे पीछे जैसा भी थोड़ा सा हट के नमाज़ पढ़े इमाम अबू दाऊद और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है मसला नंबर सत्ताईस कबरों को पुख्ता करना कबरों को पुख्ता करना जैसे चूना वग़ैरह लगा के जो है उसको पुख्ता करते हैं या सिमट का ही बना देते कबरें या कब्र के ऊपर फिर और ऊपर तामीर कर देते गुम्बद और सब कुछ बना के ये सब क्या है मना है जाबिर रदी अल्लाह तहते हैं नहा रसोल्ला सला व्म आईजल क़ब्र वयु काले व्यू बनाई इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है तीन चीज़ें यहाँ पर बयान की गई फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्हम ने मना किया इस चीज़ से नंबर एक आयुजल क़ब्र के कि कब्र को पक्का किया जाए पुख्ता किया जाए चुना उस जमाने में पुख्ता करने के लिए क्या इस्तेमाल होता था चूने से उसको जो है लेप लगा देते थे पक्की हो गई कब्र आई यू जस्ट तो कब्र को चूने से पुख्ता कर देना आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग क़ब्रों पर जाके पूरा उसको पुख्ता कर देते ये मनाएँ लोगों को नहीं मालूम है लोगों को नहीं मालूम और अगर कोई नंगे शाह हाँ डाकू शाह या इस तरह से कुछ भी हो तो ऐसे लोगों की क्या कर उनकी तो बिल्कुल पक्की बन जाती है कब्र एकदम सीमेंट की यहाँ से हिलाया नहीं जा सकता कुछ भी नहीं हो सकता पक्की हो गई अब पक कन्फर्म हो गई कबर ये बल्कि बाज़ा तो कबर भी नहीं रहती वहाँ पे हाँ किसी और बाबा की कबर का कोई एक्सटेंशन होता है वो वहाँ से कोई ईंट निकाल के लाए और ये उनका छला या कुछ तरह से कुछ बोलते हैं उसको तो ये वहाँ पे इनका है ही है ये सब चीज़ें इस्लाम में मना है तो कहा कि कब्र को पुख्ता करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया वह कादाई कबर पर बैठने से भी मना किया है कबर पर बैठना मना है मा ने कहा मुस्तकिल बैठना और मुजाविर बन के बैठना ये भी सूरत उसमें शामिल हो सकती है कि इंसान कबर पर बैठा रहे तो ये भी चीज़ मना है वह आयुब नही या और इस पर इससे भी मना किया है कि कबर पर क्या हो तामीर की जाए कबर पर तामीर की जाए तो कब्र पर गुंबद वगैरह बनाना इमारत तामीर करना यादगार के तौर पर अल्लाह वालों की यादगार हैं तो ये सब चीज़ें इस्लाम में क्या हैं मना है अगर ये सही होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ती याद में बनाते आपकी कबर के ऊपर कुछ ना कुछ या हज़रत हमजा रदी अल्लाह तीब्र पर कुछ इस तरह से तमीर करते आपने नहीं किया ना आपकी कबर पर साहबा ने किया है तो इस तरह से कब्रों पर तामीर करना इस्लाम में मना है और उससे सख्त बात यह है कि कब्रों पर मस्जिदें तामीर कर दी जाए इससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ मना किया बल्कि उन लोगों पर लानत की जो कब्रों पर मस्जिद तामीर करते हैं उनको सबसे शरीर तरीन लोग करार दिया आपने तो इस हदीस से बात मालूम होती कि, कि कब्र को पुख्ता नहीं करना चाहिए चाहे वो कितने ही बड़े बाबा की क्यों ना हो इस्लाम में ये, ये तस्वर नहीं है इस तरह का कब्रों मरने के बाद उनकी कब्र की हिफाज़त की जाए और उस पर तामीर की जाए ताकि याद लोग पहुँचें वहाँ पर और उसकी ज़ियारत से लोग फ़ायदा उठाएँ और उन उनके फ्यूज़ात उनको मिलें ये सारी चीज़ें इस्लाम में नहीं हैं कब्रों का एहतराम अपनी जगह है उसमें से ये भी है कि कि कब्र पर आदमी चले नहीं और कब्र पर बैठे नहीं ये अपनी जगह है लेकिन ये नहीं कि आदमी उसको महबूत बना ले नंबर अट्ठाईस आधा धूप और आधा छांव में बैठना क्या आदमी ऐसा बैठे कहीं जाकर कि बिल्कुल आधा जिसम उसका धूप में है और आधा छांव में है इस तरह से बैठना मना है एक सहाबी कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि सहा कहते कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने इस तरह बैठने से मना किया कि इंसान धूप में भी हो और छाव में भी हो इंसान के जिस्म का कुछ हिस्सा आधा धूप में आधा छाव में इस तरह से बराबर बीच में जाके बैठ जाए जहां धूप और छाव जमा हो रहे हैं तो आपने क्या फरमाया मजलिस शैतान ये शैतान की बैठक है ऐसा कौन बैठता है शैतान आधा धूप में आधा छाओ में तो इस तरह से शैतान की मुशाबहत भी मना है इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है मसला नंबर उनतीस खड़े होकर पानी पीना राजल के मुताबिक ये भी मना है अनसिबन मालिक रद्ल कहते हैं नबी वसल्लम सनी शुरब का इमन अल्लाह के रसूल वसल्लम ने खड़े होकर पीने से डांटा तो जो चीज जायज हो उस पर आप डांटेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायज है क्यों डांट रहे उसके ऊपर तो डांट रहे तो जायज कैसे फिर जब डांट रहे हैं तो वो चीज जायज नहीं है तो इसीलिए शेख अल अलबानी कहते हैं कि डांटना बताता है कि ये जायज़ नहीं है अगर ये जायज़ होता तो आप डांटते नहीं सिर्फ मना हो तो मकरूहात में भी शामिल हो सकता है वो लेकिन डांटना बताता है कि मामला नरम नहीं है बल्कि क्या है हल्का नहीं है सख्त मामला है इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है इसी तरह से अबू हुरैरा रदी अल्लाह रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा अन यब का इमन आपने एक शख्स को देखा कि वो खड़े होकर पानी पी रहा है वक़ाल आपने कहा कर उल्टी कर वो भी देहाती आदमी था उसने कहा लिमा उसने भी उसी अंदाज में कहा क्यों क्यों आपने कहा आय रुख आय कलहेर तुझको पसंद है तेरे साथ बिल्ली पानी पिए उसी बर्तन में तू भी पी रहा बिल्ली भी पी रही उसमें से पसंद है कालाई काला, काला, काला आपने कहा तेरे साथ बिल्ली से भी ज्यादा बुरी मखलूक ने पिया शैतान ने कब जब तू खड़ा होकर पानी पिया तो इससे मालूम होता है कि खड़े होकर पानी पीने में शैतान भी शरीक हो जाता है इसलिए खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए इस हदीस को इमाम अहमद ने रिवायत किया है और असहिया में हदीस नंबर 175 और 177 सौ सतहत्तर पर शेखलाल ने इसको जिक्र किया है मसला नंबर 30 मुंह पर तारीफ़ करना किसी के सामने उसकी तारीफ करना खूस ऐसे वक्त में जबकि फितने का खौफ हो तो ये चीज क्या है मना है आदमी तारीफ कब करता किसी की जब उसका कुछ काम हो हाँ, उसकी कुछ जरूरत हो तो उसकी तारीफ करता है नहीं माशा आप बहुत जबरदस्त इंसान हैं <laughs> कैसी तारीफ कर सब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बहुत बड़े आदमी हो किसी की तारीफ करने में अक्सर अगराज होती हैं या वाकई सच्ची तारीफ भी होती है लेकिन फिर क्या होता है उससे जिसकी तारीफ कर दी वो फितने में आ जाता है वो भी अपने आप को कुछ समझने लगता है अल्लाह के नबी सल्लाबरदार मुँह पर खूब तारीफ करने से बचो किसी की मुँह पर उसकी तारीफ करने से बचो और तमाद खूब तारीफ करना बढ़ चढ़ के तारीफ करना अरे आप तो ऐसे अरे आप सोचो मत ज्यादा आप तो ऐसे हो ऐसे आप जैसा कोई नहीं है तो इस तरह की तारीफ करना ये इससे बचो क्यों क्योंकि ये जबह करने की तरह है ये ऐसा है जैसे किसी की गर्दन यानी उसको हलाकत के करीब करने वाली चीज़ है जबाह करना क्या है उसको मार डालना हला कर डालना है तारीफ की वजह से वो भ्रम में आ जाएगा और अपने अयूब से निगाह हट जाएगी इस्लाह की बजाय फखर पैदा हो जाएगा मिजाज में इस्लाह का मिजाज खत्म हो जाएगा और समझ गए लोग तो अच्छे समझ रहे हैं और ज्यादा अच्छा करने की जरूरत क्या आपने को हाँ अच्छीव, ही समझते हैं तो मैं और ज्यादा क्यों अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँ मुतम होके सो जाएगा वो आदमी का अपने ऊपर मुतमिन हो जाना मौत है हमेशा आदमी फिक्रमंद होना चाहिए कि नहीं मैं भी वैसा नहीं बना जैसा अल्लाह के पास पेश होना चाहिए तो इंसान का अपने आप को कोताह मानना कोताही से बचने की लाजमी शर्त है और आदमी का अपने आप को परफेक्ट मानना नक्स की शुरुआत है याद रहेगा ये इंसान का अपने आप को परफेक्ट समझना नक्स की शुरुआत है बल्कि खुद अपने अंदर एक नक्स है कि मैं कामिल हूं नहीं है तो कहा कि ये रब है ये जबह करने की तरह है हलाकत की तरफ ले जाने वाला है हाँ ऐसी सूरत में किसी की तारीफ़ कर सकते हैं जैसे उसके लिए तरगीब हो या वाकई उस लायक हो और उसमें फितने का खौफ ना हो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बा सहाबा की तारीफ़ की भी खास करके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम किए मुझे किसी के माल ने वो नफ़ा नहीं दिया जो अबू बकर के माल ने दिया या इस तरह से और भी सहाबा की आपने तारीफ़ की तो अगर ऐसा कोई शख्स है कि तारीफ़ से वो बिगड़ेगा नहीं बल्कि बेहतर बनेगा जैसे आपके बच्चे हैं अगर कुछ नेक काम अच्छा काम किया कुरान पढ़ा हदीस पढ़ी उसने या याद किया या नेक काम किया कुछ नमाज़ पढ़ी बराबर वक्त पर पूरी नमाज़ें आप उसकी तारीफ़ करें हौसला अफज़ाई के तौर पर तो ठीक है लेकिन ऐसे तौर पर तारीफ़ करना कि इंसान गफलत में मुबतला हो जाए झूठे भरम में मुबतला हो जाए ये गलत है या ख़ास करके धोखा देने के लिए तारीफ़ हो किसी को अपना काम निकालने के लिए यह और भी बुरा है तारीफ भी है और धोखा भी है तो कहा अबू अब अबरा री कहते हैं रजुन अला रजुन के पास एक ने, एक दूसरे शख्स की तारीफ की वक़ाला ता आपने कहा तेरा बुरा हो तेरे लिए बर्बादी हो अपने भाई की गर्दन ही काट डाली तूने तीन बार आपने ये बात कही फिर आपने फरमाया كان منكم لا فليقل فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. अगर तुम में से कोई शख्स किसी की कोई ख़ूबी जानता ही हो और उसकी तारीफ़ करना ही हो ज़रूरत पड़ जाए तारीफ़ करने की तो फिर वो ऐसा कहें कि मेरा गुमान है कि फला ऐसा है जहाँ तक कि मैं जानता हूँ जहाँ तक कि मेरा गुमान है मैं समझता हूँ इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करें न कि यकीनी तौर पर अरे वो बहुत ज़बरदस्त है नहीं वो बहुत नेक है उसका दिल साफ है आपको कैसे मालूम पड़ा उसका दिल साफ है दिल में झांक के देखा आपने दिल का बड़ा अच्छा है हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसी बात बोलते हैं जो हम जानते नहीं अगर उसमें आदमी बढ़ा दे थोड़ा सा कि मैं समझता हूँ वो ऐसा है जहाँ तक कि मेरा गुमान है वो ऐसा है तो ये ज़्यादा मुनासिब है अहसिब फलानन वल्लाहु हसीबुहु फलाँ के बारे में मेरा गुमान ये है और अल्लाह ही है जो उसको बेहतर जानने वाला है ला वला उजक की अहदन और मैं अल्लाह से बढ़कर किसी की तारीफ नहीं कर सकता है कि अल्लाह के इल्म से ज़्यादा मैं उसको जानता हूँ ऐसा नहीं हो सकता है मुझसे बेहतर कौन जानता है उसको अल्लाह जानता है इस तरह से वो तारीफ़ करें अगर वाकई उसके अंदर कोई तारीफ की चीज़ वो जान रहा हो तभी ऐसा कहे वरना झूठ नहीं बोले जो आदमी बेनमाज़ी है चंदा लेने के लिए उसके पास गया आप हमेशा मस्जिद में दिखते हैं अल्लाह के बंदे कभी वो आता नहीं है और वो भी सोच रहा ठीक है चंदा लेने के लिए बंदा आया है और आप इस तरह से झूठी बल्कि बाजात वो लोग लो बोल भी देते हैं क्या मोल साहब ऐसी गलत तारीफ करते क्या आप मेरी सलाह करो आप वो लोग जो है वो खुद बोलते हैं मैं गलत आदमी हूं मैं बिगड़ा हुआ हूं मुझको नसीहत करो मेरी हामि हामे ला रहे आप तो तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की झूठी तारीफ नहीं करना चाहिए इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है मसला नंबर इकतीस बदगुमानी करना कोई इसको बुरा नहीं समझता उमूमन किसी की भी बारे में बदगुमानी करना आज बड़ा आसान है, नहीं हुआ ऐसे ही रहेगा हो शायद ऐसे ही कर रहा होगा उसके बारे में गलत गलत सोचना बदगुमानी करना क्या है किसी के बारे में बग़ैर दलील के बुरी बात सोचना किसी के बारे में बुरी बात सोचना गलत बग़ैर दलील के कि उसने शायद ऐसा उसकी नीयत होगी शायद ऐसा करा होगा उसने उसने खयानत की होगी उसने झूठ बोला होगा वो धोखा देना चाहता है वो इस तरह की किसी के बारे में बुरा ख्याल कायम करना बगैर किसी दलील के है ये मना है अल्लाह के नबी सल फरमाते हैं बदगुमानी सबसे झूठी चीज है जिस याक में आपने बात कही बदगुमानी के बारे में है खबरदार बदगुमानी से बचो इसलिए कि बदगुमानी किसी के बारे में बुरा गुमान कायम करना सस्पिशन जिसको आप कहते हैं किसी के बारे में शायद उसने ऐसा किया हो तो ये जैसे मसलन कोई आदमी यानी आपको दिखाई दे रहा कि वो आपके घर के पास से गुजरा आप कुछ भी कहें कोई आदमी शराब खाने के पास खड़ा हुआ है अब वो बस के इंतज़ार में खड़ा है या किसी यानी दोस्त को रोकने के लिए खड़ा है या किसी और वजह से खड़ा होगा आप बोले देख कितना हाँ नमाजी रह के देख क्या करता है ये आदमी शराब खाने के बार मैं देखा उसको गए हुआ ना अंदर रात का वक्त था मैं देखा तो पकड़ा गया वरना किसको मालूम पड़ता ये नमाजी होके भी शराब पीता आप देखे उसको शराब पीते हुए नहीं लेकिन आपने क्या किया शराब खाने के पास खड़ा है तो क्या होगा शराब पीने के लिए खड़ा होगा ऐसी लोग देखे किसी के हाथ में हाँ ब्राउन कलर का ड्रिंक है ग्लास में तो शराबी होगा ये हाँ ये विस्की होगी हाँ ये फुलाई चीज़ होगी देखो अरब के बादशाह लोग कैसे शराब पीते हैं अल्लाह के बंदे वो ड्रिंक दूसरा भी हो के शरबत भी हो सकता है तो उसको कैसे मालूम पी के देगा तो नशा होता उससे तो उसको कैसे मालूम बाज़ अवत लोग किसी के दिल में अपने दिल में बुराई होती है तो उसके लिए उज्र तलाश करने के बजाय उससे बदगुमानी हम करते बहुत आसानी उसके बारे से उसके बारे में गलत सोचते मना है ये मना है ये क्योंकि ये झूठ है आदमी को झूठ पर अपने कौलफैल की बुनियाद नहीं रखनी चाहिए और बदगुमानी झूठ है बग़ैर दलील के मुसलमान कोई राय कायम नहीं करता है तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है इससे मालूम होता है किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए इबन अब्बास रद्ला तहते हैं रसूल सल्ला एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लाम ने काबे पर निगाह डाली कल आपने फरमाया मरहबं बिकि मिन बैति मा अअظمिक मा अअظمकी व अअظم حرمतक मरहबा है ए घर अल्लाह के घर तेरे लिए मरहबा है क्या आज़मत है तेरी क्या शान है तेरी और तेरी हुरमत कितनी अजीम है तेरी हुरमत तेरा इहतराम कितना अजीम है वल मुअमिनू अअظم حرمता इंड अल्लाहि मिनकी हाँ लेकिन मोमिन की हरमत मोमिन की उसका एहतराम उसकी हरमत उसके बारे में अल्लाह की ममानत वाली पाबंदियाँ तेरे मुकाबले में ज़्यादा है तो भी बढ़कर है इन अल्लाह हरमा की हर रमा मिन की वाहदा अल्लाह ने तो तेरे लिए एक ही हरमत रखी है वह हर रमा मिनि सलासन लेकिन मोमिन के लिए अल्लाह ने तीन हरमतें रखी हैं उसके मामले में तीन चीजों को हराम किया है दमू व माल वन सऊ मोमिन के बारे में अल्लाह ने तीन हरमतें रखी हैं उसका उसका खून उसका माल और ये कि उसके बारे में बदगुमानी की जाए उसका ना खून बहाना हराम है उसका माल हराम है और उसके बारे में बदगुमानी करना भी क्या है हराम है कहा कि मोमिन के बारे में तो तीन हुरमतें हैं काबा के बारे में तो एक हुरमत है मोमिन के बारे में कितनी हुरमतें हैं तीन तो इसमें एक चीज क्या है मोमिन के बारे में बुरा गुमान किया जाए ये भी मना है ये भी मना है आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया फिर वो लोग बोले नहीं आप बोले आपने वो रिश्तेदार नहीं बोला होगा उसको आप अपने किसी भी रिश्तेदार के बारे में या फला के बारे में आप बदगुमानी कर रहे हैं। उन्होंने मना किए हुए हैं उनको वो नहीं चाहते हमारा अच्छा तो बदगुमानी बेवजह आप कर लिए बेचारा वो उसको मालूम भी नहीं कि रिश्ता आया था आपकी बेटी को लेकिन आप उसके बारे में बदगुमानी कर लिए ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसके बारे में इंसान बदगुमानी करता है नहीं करना चाहिए क्योंकि बदगुमानी करने वाला अपने आप को तकलीफ़ देता है किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं वो बेवजह अपने आप को तकलीफ़ देता है अगर वो तकदीर पर राजी रहें तो मसला हल हो जाए लेकिन बदगुमानी करके अपने आप को ही मेंटल टॉर्चर करता रहता और लोगों को अपना दुश्मन बनाते रहता तो इमाम अल-बहेकी ने शोब ईमान में और इसी तरह से इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया और हदीस हसन दर्जे की है मसला नंबर बत्तीस खड़े खड़े जूतियाँ या सैंडल वगैरह पहनना ऐसे जिसको स्ट्रैप होता है जिसको लेस बांधनी पड़ती है तस्में जिसको होते हैं उसको खड़े खड़े पहनने की कोशिश करना इसको इससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है क्या वजह हो सकती है समझने में कोई दुश्वारी है क्या होगा गिर जाएगा गिर जाएगा आगे या पीछे जैसा भी हो गिरेगा वो कितने लोग हैं देखिए आप इस तरह से पहनने की कोशिश करते और बैलेंस जाता है कूदते कूदते गिर जाते हैं तो नहीं होना ऐसा अगर इस तरह से तस्मे वगैरह बांधना है तो उसको अच्छे से बैठ कर ही पहनना चाहिए जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाहन कहते हैं नहा रसूल सल्लाम रजुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना किया है कि आदमी खड़े खड़े नाल पहने नाल उस जमाने में कैसी होती थी उसको यानी लेस होती थी दोनों तरफ से इस तरह से बांधा जाता था तो इस तरह की अगर पहनने की जूतियां हैं तो उसको क्या करें बैठ कर पहने खड़े होकर नहीं गिरने का इम्कान है इसलिए बचना चाहिए बाद लोग पजामा भी इसके हुक्म में आ सकता है हाँ पतलून और टाइट जीन्स डांग डाल जारी जा क्यों खरीदता है ऐसे कपड़े अल्लाह के बंदे जिसमें पाओ नहीं तेरा पाव नहीं जा रहा तेरे पजामे में इतना टाइट कि पहनने के लिए एक आदमी असिस्टेंट रखना पड़े और उतारने के लिए एक आदमी रखना पड़े कौन बोला तुझको इस अजाब में जाने के लिए और उससे सेहत के लिए भी बहुत सारे नुकसान हैं रगे उसकी वजह से मुसलसल टाइट रहने की वजह से खून ठीक से पहुंचता नहीं है और मर्दों के लिए वैसे भी ठीक नहीं है तो आप रिसर्च करके देखिए आपको मालूम पड़ेगा इतनी टाइट जीन्स नहीं पहनना चाहिए ठीक है जीन्स पहनने से कोई मना नहीं कर रहा है मौलवी साहब भी मना नहीं करेंगे लेकिन इस तरह से तंग लिबास पहनना इतना ठीक नहीं है और फिर आदमी सदे में भी डरे कि फट तो नहीं जाएगी हाँ ये सारी चीज़ें क्या है क्यों हम किसी की नकाली करें क्यों दूसरी कौमों को देख के हम चलें सीधा साधा लिबास अपना पहने उन जैसा बनना ज़रूरी है क्या और सलब की तरह बनना ज़रूरी नहीं है सोचने की चीज़ है ऐसा लिबास पहने जिसमें नमाज सही हो बहुत सारे लोग एकदम टाइट जीन्स पहनते हैं उसका नुकसान ही होता है कि वो पेशाब सही ढंग से कर नहीं पाते और कतरे रह जाते फिर नमाज को बुलाए तारत नहीं है क्या है तारत नहीं है नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे भाई क्यों नहीं तारत तारत तू की हिफाजत क्यों नहीं किया अपनी बोले पैंट ऐसी टाइट ना बैठने नहीं आता तो क्यों ऐसा तू किया गवर्नमेंट की तरफ ते, तेरे लिए कुछ था ऐसा तेरा घर बुलडोजर से ये होने वाला था क्या क्यों भे? क्यों ऐसा लिबास जो आपको पाक न रख सके नमाज से महरूम कर दे क्यों हाँ अगर नहीं है जैसा ढीला ढाला जीन्स वगैरह है जिससे मतलब मसला नहीं है इस के लिए नमाज के लिए कोई मसला नहीं है हराम उसको करना भी ठीक नहीं है वलोमा ने इसकी इजाज़त दी है ठीक है लेकिन इतना तंग कि नमाज से महरूम हो जाए ठीक नहीं है तो ये भी बात याद रखने की चीज़ है इसी तरह से एक जूता पहनकर चलना ये भी क्या है

एक मोजे में न चले एक मोजा पहनकर खुफ चमड़े का मोजे को कहते हैं एक मोजा पहन के न चले जैसे बाद लोग क्या करते हैं मस्जिद में आए या कहीं पर भी गए और जाहिर बात है कि जूते बिछड़ते हैं मस्जिद में तो एक जूता इधर है तो एक उधर चला गया किसी ने वो हाँ जुमा का दिन है पाँव मारते 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 वो वहाँ चला गया तो यहाँ एक पहनेगा फिर वो पहन के चल के जाएगा और फिर वो दूसरा पहनेगा मना है ये चीज़ मना है कि आप एक जूते में या एक चप्पल में चलें और फिर जाके दूसरी पहने आप उसको उठा के वहां तक जाएं और फिर दोनों एक साथ पहने तो इससे मना किया गया है इमाम मुस्लिम ने इसको सही में रिवायत किया बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं और इस तरह से करते हैं कि एक जूती पहनकर चलते हैं खास करके बच्चों में ये चीज़ होती है एक पहन के पूरे घर में घूमेंगे तो ठीक है उन पर शरीयत नहीं है वो मुकल्लफ नहीं लेकिन माँ बाप बताएं उनको बेटा ऐसा नहीं चलते हैं आज बताएंगे आज सिखाएंगे क्यों हमारा बच्चा गलत काम करे मुकल्लफ नहीं का मतलब ये गलत जायज़ है उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर में छोटे बच्चे हैं आपके नवासे हसन इबन अली रदी अल्लाह तआला तुम सदके की खजूरें रखी हुई थी और आप तकसीम कर रहे थे बच्चे हैं खेलते 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 एक खजूर उठा के मुंह में डाल ली अब सब जब फारिग हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर आपने बच्चे को गोद में उठाया कंधे पे डाला कंधे पे डाला तो आपको कंधे पे लुआब महसूस हुआ थूक मुंह से निकल रहा है बच्चे के। आप वसल्लम ने फौरन देखा मुंह में क्या है क्योंकि बच्चे का लुआब कब निकलता है जब बच्चे की में कोई चीज हो तो आपने मुंह में हाथ डाल के वो खजूर निकाली और कहा किख किख निकाल थूक दे थूक दे और निकाल के उसको वापस से डाल दिया जमीन पे लोगों ने कहा बच्चा ही तो है ना आपने कहा हम आल मोहम्मद के लिए सदका हलाल नहीं है और आपने बच्चे से भी ये बात कही एक रिवायत में क्या तुझे मालूम नहीं हम सदका नहीं खाते तो छोटा बच्चा है खा लिया है ऐसा नहीं क्या जाने तो आपकी बात आइंदा से नहीं खाना नहीं बल्कि आपने मुँह में से निकाला उसको हमारे घर का बच्चा भी गलत काम नहीं करेगा उस पर शरीयत नहीं है लेकिन हम नहीं खाने देंगे उसको ये होना चाहिए कि अगर कोई गलत चीज़ है जो जायज़ नहीं हमारा खाना जैसे फातिहा का कोई जो है शिरकिया फातिहा देकर हमारे घर को खाना भेजा जाने तो हम नहीं खाएंगे बच्चों को खिला दो बच्चे कोई जानवर हैं आप उनको खिला दे रहे आपका बच्चा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहिए जिसका खाना जायज़ नहीं है तो इस तरह की चीज़ों में ख्याल रखना चाहिए कि जो मना है वो मना है उसको अपने लिए या दूसरों के लिए हलाल नहीं करना चाहिए मसला नंबर चौंतीस अजाब जदा इलाकों में तफरी के लिए जाना खंडरों में जाना हाँ देखने के लिए और वहाँ सेल्फियाँ भी निकालना ऐसी जगहों पर जहाँ अल्लाह का अजाब आया वहाँ नहीं जाना चाहिए उमर अब्दुल्लामर अली कहते हैं बाज इलाके ऐसे थे कि आपको वहां से गुजरना ही पड़ता था तो आपने कहा जहाँ अल्लाह का आजाब नाजिल हुआ है वहाँ मत जाओ वहाँ दाखिल मत हो इन इलाकों में और अगर जाना ही पड़े तो रोते हुए वहाँ से गुजरो अल्लाह के आजाब को याद करो ये नहीं कि वहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे हैं पिकनिक के तौर पर जा रहे हैं और फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं और नाच रहे गा रहे वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कहा कि ऐसी जगहों पर मत जाओ जहाँ अल्लाह का आजाब आया है अला अन तकुन हाँ मगर ये कि तुम रोते हुए वहाँ से गुजरो वहाँ जाओ फिल्म तक बाकी न फलाद खुलाम अगर तुम रोते हुए वहाँ से ना जाओ मत जाओ वहाँ पे, दाखिल मत हो ऐसे इलाकों में ला ला युसीबाबह कहीं ऐसा ना हो कि जो आजाब उन पर आया तुम पर भी आ जाए आज आप देखिए कितने ऐसे इलाकों में जहाँ बिल्कुल खंडर हो चुके और अल्लाह का आजाब आया वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए वहाँ पे यादगारें हैं हाँ वह तहकीक़ के लिए जा रहा है कि तहक़ीक़ के लिए जा रहा है कुछ भी तहक़ीक़ नहीं करता खाली जाके वहाँ पर पिकनिक करता है तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसमें इससे मना किया गया है मसला नंबर पैंतीस बिला उज़र सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना ये भी मना हैदी कहते हैं कन्ना सवारी على رسول الله الله صلى عليه وسلم ونطرد عنها तरद हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में इस बात से मना किया जाता था कि हम सतूनों खम्बों के बीच में मस्जिद में सफ़ बनाएं और हमें वहाँ से धुतकार के हटा दिया जाता था डांट के हटा दिया जाता था क्यों इसलिए कि सतूनों के दरमियान सफ़ बनाने से सफ़ कटती है सफ़ मुन हो जाती है इसलिए मना किया जाता था अगर अगरचिमा ने कहा यह हराम नहीं है मजबूरी के वक्त में गुंजाइश है इसलिए कि साहबा के सामने पढ़ा गया उन्होंने नमाज़ दोहराने के लिए नहीं कहा इससे माँ की नमाज तो हो जाती है लेकिन चीज़ पसंदीदा नहीं है अगर नमाज मस्जिद में वो सात है तो फिर सुतूनों के दरमियान सफ़ नहीं बनना चाहिए हाँ अगर जुमा में ईदैन में इस तरह से मस्जिद तंग हो जाए तो ऐसे वक्त में अगर सब बना दी जाए तो ठीक है बेचारे जो फंस गए वो फंस गए तो अब वो वहाँ नमाज पढ़े तो नमाज नहीं होगी ऐसा नहीं है लेकिन ये अफजल नहीं है उससे बचना अफजल है इमाम इब्ने माजा इब्ने खुजैमा इब्ने हिब्बान हाकिम और बहकी ने इसको रिवायत किया है अब्दुल्लाबन मसूद रदी अल्लाह तु कहते हैं ला तस्फु बवारी सतूनों के बीच सफ़े मत बनाओ नमाज के लिए सुतूनों के बीच सफ़े मत बनाओ इमाम अलबेकी ने इसको रिवायत किया है मसला नंबर छत्तीस खुतबे में गर्दने फलांग कर आन, आगे आना लेट आना और पहली सफ की चाहत करना तो क्या करना सबकी गर्दने फलांगना हाथों पे पांव देना और लोगों को पाँव मार के लात मार के आगे बढ़ना क्यों पहली सबकी फजीलत मुझको चाहिए जल्दी आने की नहीं चाहिए तो ये चीज क्या है चीज मना है लोगों को तकलीफ देना इस तरह से मना है किसी के हाथ पे पांव दे दिया हाँ और वो के देख रहा है अब उसको बोला कुछ नहीं होता चलो हाँ कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होता कुछ कैसे नहीं होता हाथ उसका दर्द हो रहा बिछारे का और आप बोल रहे कुछ नहीं होता आपका वजन देखो उसका बिछारे का हाल देखो कोई ख्याल नहीं करते हैं और आगे जाना चाहते हैं और लोगों को अजियत पहुंचाते हैं नहीं करना चाहिए الله بن بصر رضي الله تعالیٰ عنہ کہتے جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جمعة کا صلى الله عليه وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی لوگوں کی ہوا آیا آگے آیا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس اللہ صلى الله عليه وسلم نے اسے کیا کہا؟ بیٹ بیٹ جا फद आदई था और एक रिवायत में आपने फरमाया फद आदई था, था। एक तो देर से आया दूसरा लोगों को तकलीफ देता है बैठ बैठ वहीं बैठ और आगे आ रहा था शायद तो आपने क्या किया उसको बैठ जा एक तो देर से आता और दूसरा लोगों को तकलीफ पहुंचाता बैठ जा जहाँ है हो तो वही पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है कि लोगों की गर्दन फलान कर तकलीफ दे के लोगों को आना ये ठीक नहीं है पहली सफ़ चाहिए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आके पहली सफ़ में आगे बैठ जाओ कोई मसला नहीं ईद में देखिए बाद लोग आते हैं स्पेशल कैटेगरी के, के लोग रहते हैं पहले उनको चाहिए सबको जो है फलांगते हुए ठोकरे मारते हुए और हटाते हुए आके आगे बैठते हैं नहीं करना चाहिए इस तरह से जहाँ जगह मिल जाए आदमी बैठ जाए वही मस्जिद है ना कि मस्जिद का नाम बदल जाएगा पिछली सफ में हो तो क्या होता है अगर चाहिए उसको तो आगे आए पहले आए तो हाँ ठीक है इमाम साहब आ रहे हैं तो फिर उनको आने की गुंजाइश है क्योंकि इमाम साहब ही नहीं तो नमाज़ कौन पढ़ाएगा भाई ये और बात है लेकिन लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं है और इमाम के लिए ज़रूरी नहीं कि सबसे पहले आए वो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ़ लाते थे और आके सीधा जुमा के दिन मिंबर पर आप बैठ जाते थे आके तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि लोगों को अजियत पहुँचाना सही नहीं इस हदीस को इमाम अहमद ने इबन हिब्बान हाकिम और बहकी ने रिवायत किया है मसला नंबर सैंतीस नमाज मियाँ वहाँ देखना नमाज मियाँ वहाँ देखना आयशा रदी अल्लाह तरमाती है सल तो रसूल अल्लाह अनिल्तिफ़ाफल मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ में यहाँ वहाँ देखने के बारे में पूछा इसका क्या हुक्म है ये कैसा है फ़ालाखिलासन यखता शैतान तिल अब आपने फ़रमाया ये नमाज का वो हिस्सा है जो शैतान बंदे की नमाज़ से छीन के उचक ले जाता है जैसे कोई लुटेरा आके किसी की गाड़ी से फल उठा के भाग जाए उसके सामने उसकी आंखों के सामने तो इसको क्या कहते हैं इख्तिलास तो कहा कि ये इख्तिलास है जो शैतान बंदे की नमाज में से उसका कुछ हिस्सा सवाब उचक के छीन के ले जाता तो नमाज में यहां वहां देखना सही नहीं है घड़ी भी नहीं देखना नमाज में लोग यहाँ देखते हैं नमाज में निगाह कहाँ होनी चाहिए सद्य की अपने सदे की जगह पे कहा होनी चाहिए सद्य की जगह पर और सलाम फेरते वक्त दाएं बाएं देखे और तशाहुद में का होनी चाहिए उंगली पर और सद्दे में का होनी चाहिए नाक पे बाद बोलते सद्दे में नाक पे उंगली रख नाक पे निगाह रखे क्यों भाई कोई दलील इसकी नहीं है सद्दे में भी सद्दे की जगह पर निगाह होनी चाहिए रुकू में उंगलियों पे पाओ की नहीं उसमें भी कहा होनी चाहिए सदे की जगह पर तो नमाज में यहां वहां देखना मना है बाद लोग पढ़ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कोई आदमी देख के उनको ऐसा करे तो फिर नीचे देखते हैं तो नमाज में यहां वहां नहीं देखना चाहिए बल्कि उसको निगाह को नीचा रखना चाहिए इससे आदमी का कंसंट्रेशन भी सही होता है ये भी ठीक नहीं कि नमाज में आंखें बंद कर लें बाद लोग क्या करते हैं दिल लगाने के लिए नमाज में क्या करते हैं आंखें बंद करते हैं ये चीज़ भी ठीक नहीं है ये खिलाफ सुन्नत है क्यों इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे दूसरे ये कि हदीस में कि जब तुम्हारी नमाज कोई क्रॉस करने लगे तो रोको उसको कैसे रोकेंगे आँख बंदे तो हाँ इतने जबरदस्त आप कि कोई जाने लगा तो आँख बंद भी तो रोकेंगे नहीं तो आपकी आंखें क्या होनी चाहिए खुली होनी चाहिए तो इस हदीस को इमाम अलबुखारी ने रिवायत किया है मसला नंबर अड़तीस हम करीब हैं खत्म करने के वजू के बाद तशबीक करना सब खुश हो गया हाँ छोड़ रहे हैं <laughs> से आजाद हो गया अभी सब मसला नंबर अड़तीस वजू के बाद तशबीक करना तशबीक किसको कहते हैं इस तरह से उंगलियों को बाहम पैवस्त करना उंगली में उंगलियां फंसाना इसको तशबीक कहते हैं तो 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 लोगों को मालूम नहीं बहुत सारे वजू करने के बाद में तशबीक करना मना है बाद लोग आके मस्जिद में बैठे रहते हैं ऐसा इस तरह से अभी नमाज के इंतजार में है बावजू होके आए सुन्नत पढ़े उसके बाद बैठे तो ऐसा बैठे हुए इस तरह से तस्बी करना ये पसंदीदा चीज नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा तवद्दा अहदुकुम फअहसन وضوءه ثم خرج आमिदन इलल मस्जिद जब तुम में से कोई शख्स वजू करे और अच्छी तरह से वजू करे और फिर मस्जिद का इरादा करके घर से निकले फला युश फला युशब फाइन्नहु फिस्सला। फाइन्नहु फिस्सला। वो अपनी उंगलियों में इस तरह से तशबीक ना करें क्यों इसलिए कि वो नमाज में है नमाज के लिए चल के आने वाले का हुक्म भी नमाजी का है वो गोया के नमाज की हालत में है तो उसमें तशबीक करने से क्या किया गया है मना किया गया क्योंकि अच्छी चीज नहीं मानी गई है इसको ये क्या है इख्लाफ और इस तरह की चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है तो तशबीक नहीं करना चाहिए तो इससे मना किया गया है इमाम अहमद अबू दाऊद और तिरमिदी ने इसको रिवायत किया है इसी तरह से मसला नंबर उनतालीस सफ़ के दरमियान में खाली जगह छोड़ना सफ़ के दरमियान बाज़ मसाजिद में खाली जगह होती है बल्कि बदकस्मती से हरमैन में भी आप जाएँ लोग इतनी लापरवाही से नमाज पढ़ते हैं बीच में खुला खुली जगह होती है लोग कदम जोड़ते भी नहीं हैं कदम क्या कंधे भी नहीं जोड़ते हैं ठीक है इख्तलाफ हैं के अकवाल में बाज़ लोग नहीं मानते इस चीज़ को क्यों क्योंकि कदम क्यों जोड़ना कंधे की तो हदीस वाजे हैं कंधे आपस में जोड़ना चाहिए लेकिन वो भी नहीं जोड़ते और बीच में बहुत फ़ासला रह जाता है अल्लाह के रसूल सल असम फरमाते हैं अकीम सफुफ़ा वहादोबिन सफ़े सीधी करो और अपने कंधे बराबर रखो वसुदुल वसुदुल खलल और दरमियान का जो खलल है आपस में जो दो आदमियों के बीच की खाली जगह है उसको भरो उसको पुर करो खाली जगह मत छोड़ो वो कुम और अपने भाइयों के हाथ में नरम हो जाओ यानी अगर कोई पकड़ के थोड़ा अपनी तरफ खींचे सफ जोड़ने के लिए तो सख्त हो के उससे कटो मत क्या हो जाओ उसके हाथ में नरम हो जाओ कि अगर वो थोड़ा सा करें तो उसको अपना इंसर्ट मत समझो क्योंकि सेंटर मैं हूं मुझसे जुड़ो ऐसा नहीं हो बल्कि अगर कोई आपको पकड़ के खींच रहा है यही होता है ना सब में हर आदमी सोचता मेरे साथ हो जाओ सब मेरी लाइन में हो जाओ सब अपने आप को मरकज मान लेता हो अपने आप को एक्यूरेट मानता है बाकी सब टेढ़े हैं अपने हिसाब से हर आदमी सब थोड़ा आगे हो थो, जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ इस तरह से करता है यानी मैं सही हूँ बाकी सब गलत है मेरे हिसाब से आपको होना चाहिए कोई अगर उसको अपने पास ऐसा करता है करीब करता है तो उसके हाथ में नरम हो जाए और सफ़ जोड़ने वाला बने और कहा कि वला तदारिल्ली शैतान और शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो सफ़ के दरमियान में खाली जगह मत छोड़ो वमन वफ़न वसल वसल जो सफ़ जोड़ें अल्लाह उसे जोड़ दे अपनी रहमत से वमन क़तफ़ फन जो सफ़ को काटें अल्लाह ती भी अपनी रहमत से काट दे छोटी चीज़ नहीं है ना तो सफ़ों को अच्छा बनाना चाहिए सफ़ों में ख़ाली जगहें नहीं होना चाहिए इन्हें दो आदमियों के बीच में ख़ाली जगह नहीं होना चाहिए इमाम अहमद अबू दाऊद और तबरानी ने इसको रिवायत किया है मसला नंबर चालीस हैं बिला तहक़ीक सुनी सुनाई बातें बयान करना व्हाट्सएप के जितने चैंपियंस हैं गाजी है व्हाट्सएप बिला तहकीक सुनी सुनाई बातें बयान करना नकल करना ये भी मना है अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं कफा बिल मर इकदी बन सबिकल लिमा समय आदमी के झूठ के लिए इतना ही काफी है उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बयान करने लग जाए आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वह हर बात को नकल करता रहे फिर सच आया तो सच भी नकल कर दिया झूठ आया तो झूठ भी नकल कर दिया जब पकड़ा जाएगा तो ये भी पकड़ा जाएगा कि झूठ इसने नकल किया और झूठ का कितना बड़ा नुकसान होता है आप देखिए मणिपुर में जो अभी न्यूज आया था उसमें एक झूठी खबर फैलाई गई थी कि औरतों के साथ बदकारी की बाज लोगों ने तो उसके जवाब में उन लोगों ने उन औरतों की इज्जत दरी की है लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने वो झूठी न्यूज फैलाई थी तो एक झूठी न्यूज की वजह से झूठी खबर की वजह से औरतों की इज्जतों को खराब किया गया है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है झूठी न्यूज़ का तो गलत खबर नहीं पहुंचाना चाहिए बाद लोग मुसलमानों की हमदर्दी में उधर झुलम हुआ इधर ऊर जुलम हो रहा है कुछ करना चाहिए हम लोगों को बना बना के मैसेज इसको समझते कि यही हमारा जिहाद है और उम्मत को जगाने के लिए करते हैं जाग के करेंगे क्या कुछ करने की ताकत है मुसलमान कमज़ोर है नादानी में कुछ नौजवान जोश में आके कुछ गलत काम कर देंगे जिसका नुकसान मुसलमानों को होगा तो ऐसा जोश दिलाना मुसलमानों को कि वो गलतियां कर जाएं ये सही नहीं है ये कौम के हमदर्द नहीं होते हैं इससे लोगों के करियर ख़राब होते हैं माँ बाप खून के आंसू होते हैं बीवियां शोहर की मौजूदगी में बेवा की तरह हो जाती हैं बच्चे शोहर के होते हुए यतीम के जैसे हो जाते वो जेल में जाके बैठा दस दस साल के लिए मिलने भी नहीं मिलता बच्चों को मिलाते भी नहीं क्योंकि जेल में मिलाएंगे बच्चों को क्या असर पड़ेगा उनके जहन पर कैसी जिंदगी हो जाती किसी का जोश दिलाया हुआ मैसेज मिला और कुछ कर दिया पुलिस पकड़ ली फोटो देखा वीडियो में कौन कौन था हाँ ये था ये था ये था उठाओ इनको ले जाओ अब बेल भी नहीं हो रहा डाल दिया उसके ऊपर बड़ा केस पत्थर मारा जाके लग गया किसी को जख्मी हो गया बड़ा केस बन गया उसका अब चक्कर काट रहे हैं माँ बाप बूढ़े माँ बाप नहीं निकला बाहर नहीं निकल रहा बेल भी नहीं हो रहा उसकी जमानत नहीं हो रही तो इस तरह की जोश दिलाने वाले लोग उम्मत के खैर खां नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास कोई वाकई प्रोग्राम नहीं होता है वो जज्बात में होते अगर उनको बोलेंगे क्यों कर रहे ऐसा बोले चुप बैठना क्या हम उनका बोलना क्या होता है कुछ भी नहीं करना यानी कुछ भी करना है आपको एक मुसलमान जो भी कदम उठाता है उसका एक पर्पज होता है उसका एक नतीजा होता है यूं ही जज्बात में आके कुछ भी करने का नाम अकलमंदी नहीं है तो जो भी काम करें बगैर इल्म के बगैर उलमा की रहनुमाई की ना करें उलमा से मुराद ये नहीं अभी फारिग हुआ मदरसे से उनसे पूछा बोले ये शेख है ना हमारे उनसे पूछ के हमने की ओ ब जाओ जाओ वाकई वो जो उलमा हैं जिनको दीन का भी इल्म है और दुनिया की भी मामला वो जानते हैं तजर्बा गया उनकी दाढ़िया सफेद हुई हैं ऐसे उलमा जो तजर्बा रखते हैं जिंदगी का तो कहा कि कफा बिलमर एक हद ही बन दिखा समय आदमी के झूठा होने के लिए या झूठ के लिए इतना ही काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को लोगों के सामने बयान करने लगे व्हाट्सएप के जो भी मैसेज आते हैं उनको यूं ही फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए यहाँ वहां से कुछ भी सुना उसको बयान नहीं करना चाहिए बल्कि बाजा किसी की इज्जत का मामला होता सुना क्या क्या उसकी बेटी देख ऐसा ऐसा उसका अफेयर है हालांकि नहीं है लेकिन इसने ऐसे ही चलते फिरते किसी लफंगी ने बोल दिया इसने सुन लिया कि कॉलेज में उसका अफेयर है हालांकि बच्ची नेक साले बच्ची है लेकिन इसने बोल दिया अभी पूरे गांव में फैल गई बात उस बच्ची का निकाह नहीं हो रहा कौन जिम्मेदार है या किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया मालूम है वो मस्जिद के पैसे खा गया नहीं ऐसा उसने नहीं किया है लगा दिया इल्ज़ाम उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी बेइज्जत हो गया वो आदमी समाज के अंदर बे एहतियाती में बोली हुई बातें और बे एहतियाती के साथ नकल की हुई बातें किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और वो आपकी आखिरत बर्बाद कर सकती है कयामत के दिन देना पड़ेगा बोरिये भर भर के अपनी नेकियों में से देना पड़ेगा उस दिन जिस दिन नेकियां नहीं होंगी लोगों के पास और नेकी कमाने का मौका खत्म हो चुका होगा हमेशा के लिए जस्ट इमेजिन कीजिए कयामत के दिन नेकी कमाने का मौका हमेशा 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 के लिए खत्म हो गया होगा नहीं कमा सकता अभी तू तो। उस वक्त में नेकी की कितनी जरूरत होगी क्या अब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई और उस वक्त दिन हमारी नेकियां एक तो कटी फटी पुरानी कैसी तो भी मरी पड़ी नेकियां हैं मुर्दार वो नेकियां भी अगर छीन ली जाए हमसे क्या बचेंगे हम फिर तो क्यों हम लोगों की इज्जतें खराब करें क्यों हम गलत काम करके अपनी नेकियां दे लोगों को इतनी मेहनत से कमा के ले गए वहाँ पर और फिर वहां दे रहे सोचने की चीज है क्यों ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आखिरत में हमको शर्मिंदगी उठानी पड़े तो ये भी चीज़ उसमें से आती है कि आदमी बेतहकीक लोगों के बारे में बात करे जब तक के पक्की तहक़ीक पक्की दलील ना हो किसी के बारे में कोई मनफी कमेंट आदमी नहीं करे अल्लाह ताला हम सबको समझता फरमाए मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है कुछ बातें रह गई थी आप घर पे जाके उसको आराम से पढ़िए और कुछ नहीं समझा उलमा से पूछिए अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म हासिल करने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक तोफ़ी अतः फ़रमाएँ अक़ूल हदतफ़ी वल्ख